तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप मस्त एवं बढ़िया होंगे। तो आज हम यशोदा जयंती का पोस्टर डिजाइनिंग करेंगे। इसमें जो जो मटेरियल यूज़ किए गए हैं वो आल पीएनजी डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और न्यू न्यू लेटेस्ट पीएनजी पाने के लिए हमारे टेलीग्राम शेर सिंह ऑफिशियल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखें, क्योंकि जी फाइल में पासवर्ड लगा होगा, तभी जी फाइल अनजिप होगी। तो इसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और पास ही में घंटे का ऑल पे उसे ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो बिना देरी करते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है पिक्सल ऐप। पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे आना है। उसके बाद ये वाला टेम्पलेट ले लेना है। ये मैंने ऑलरेडी इसमें सब सेट करके बना के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस सिंपल से इस टेक्स्ट को डिलीट करना है, तो ए वाले पर क्लिक करके इसे डिलीट कर दें। उसके बाद प्लस पर क्लिक करें, उसके बाद फ्रॉम गैलरी पे जाएं। उसके बाद आपको एक फ़ोटो पीएनजी ले लेना है। अगर आपके पास फ़ोटो पीएनजी नहीं है तो मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बनाई है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल से मैं कुछ ये फ़ोटो ले लेता हूँ। इसको अच्छी तरह से यहाँ सेट कर लेना है अपने फ़ोटो को, जिस भी हिसाब को। तो इसको अच्छी तरह सेट करने के बाद इसे यहाँ से लॉक कर देना है, ताकि हिले डुले नहीं। फिर उसके बाद टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, एडिट पर क्लिक करें। उसके बाद अपना कोई नाम लिख दें, तो हम अपने चैनल का नाम लिख देते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए इसको नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद स्क्रॉल करते हुए पीछे आना है। उसके बाद फॉन्ट पे आना है। उसके बाद माय फॉन्ट पर क्लिक लाएँ। क्लिक करने के बाद ये फॉन्ट ले लेनी है। फॉन्ट चाहिए तो हमने आप कमेंट करके बता दें, मैं वीडियो बना दूंगा, आपको फॉन्ट भी प्रोवाइड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से यहाँ इस बिंदी को टाइप करके इसको अच्छी तरह से सेट कर दें। इसके बाद ये टैप हो, फिर इसके बाद इस पर क्लिक करें, इसको लॉक कर दें, ताकि फिर से हिले डुले नहीं। इसके बाद अपनी कोई ऑफिशियल वेबसाइट दे देनी है, तो हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट दे देते हैं। उसके बाद इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद स्क्रॉल करते हुए पीछे आना है। पीछे आने के बाद फॉन्ट पर क्लिक करना है, और आप चाहें जो फॉन्ट ले सकते हैं। इसके बाद इसको ले लेना है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए कलर पर क्लिक करना है। कलर पर क्लिक करने के बाद आप जो चाहें वो कलर ले सकते हैं। तो इसी प्रकार ये कलर ले लिया। अभी मुझे फॉन्ट अच्छी नहीं लग रही, तो मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। तो ये मैंने फॉन्ट चेंज कर ली है। तो सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करें, सेव टू इमेजिंग पर क्लिक करें, पीएनजी कर लें और अल्ट्रा कर लें। उसके बाद सेव टू गैलरी पर क्लिक करें। तो ये हमारा सेव हो चुका है। उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद गैलरी ओपन करनी है। उसके बाद तो ये देखिए, ये आपका पोस्टर बन के तैयार हो चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।